हेलो एंड वेलकम टू माय सक्सेस कोचिंग क्लासेस। आज के वीडियो में हम आपको 4.3 के जो क्वेश्चन बचे हुए थे, क्वेश्चन नंबर 2 to 11 तक सारे क्वेश्चन आज हम आपको बताने वाले हैं। हाई स्कूल के जो एनसीईआरटी के यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही लाभप्रद और बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की क्लास। इसमें जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं बिल्कुल नए मेथड से बताऊंगा और एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप को बहुत ही क्लेरिफाई करके बताऊंगा। तो प्लीज़ बहुत ही अटेंशन पे करिएगा इस क्लास में और लास्ट तक देखिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो यू हैव टू बी आस्क टू मी, कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अच्छे कमेंट दीजिएगा और मोबाइल नंबर है, आप फ़ोन भी कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाले जो भी हम एक्सरसाइज या क्वेश्चंस बताएंगे या जो भी हम नई चीज़ें डालते हैं, वीडियो वगैरह डालते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। तो 4.3 जो प्रश्नावली है द्विघात समीकरण की, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मार्क्स की आती है, तो इसको हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे, फिर 3, फिर इसके बाद एंड सो ऑन। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 बताया था, जो कि मूलों का अस्तित्व का था। मूलों का अस्तित्व मैंने पहचानना फर्स्ट पार्ट में बताया था, आज सेकेंड पार्ट बनाया है मैंने। तो सेकेंड पार्ट में हम आपको पूरी चीज़ें बताएँगे। तो देखिए मेरा सेकेंड क्वेश्चन किस तरीके से मैंने किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन में जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, जैसे कि इसमें देखिए, ध्यान से देखें, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो 2x² - 7x + 3 = 0, ये हमारी एक द्विघात समीकरण दी हुई है। तो इस द्विघात समीकरण को हम सबसे पहले जो मानक समीकरण है द्विघात की, उससे हम कंपेयर करेंगे। तो देखिए किस तरीके से किया गया, कॉपी देखिए, यही क्वेश्चन दी है, 2x² - 7x + 3 = 0। इसको हम सबसे पहले तुलना करेंगे, यानी कि कंपेयर करेंगे। देखिए इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है कंपेयर लिखेंगे और हिंदी मीडियम के बच्चे समीकरण 1 को स्टैंडर्ड इक्वेशन से, यानी मानक समीकरण से तुलना करने पर लिखेंगे, यानी ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। तो a की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी, ये देखिए लिखा है, और x का जो गुणांक है यानी कि 2, जो x का कोफिशियंट है 2, सॉरी f b का x का कोफिशियंट है -7, तो b की जो वैल्यू हो जाएगी -7 हो जाएगी। इसी के साथ जो कांस्टेंट पोर्शन है C के करस्पॉन्ड 3 लिखा हुआ है, तो C की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो A की वैल्यू 2 हो जाएगी, B की वैल्यू -7 हो जाएगी और C की वैल्यू +3 हो जाएगी। तो इसको हम जो हमारा जो द्विघात का जो जिससे हम टेस्ट करते हैं, अस्तित्व चेक करते हैं, तो उससे जब हम टेस्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आनी चाहिए या फिर बराबर आनी चाहिए। तो b² - 4ac होता है d का मतलब, तो b स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, -7² - 4 × 2 × 3 वैल्यू हमने सब डाल दी इसके हिसाब से, और ये देखेंगे कि 0 से बड़ी है कि बराबर है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, फिर उसके बाद 4 × 2 × 3 24 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 25 0 से बड़ा है और बड़ा है, तो इसका मतलब ये इसका एक हल होगा। अब देखिए जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है ए बी सी की, उनको हम ये विविक्त कर, यानी कि द्विघात का ये जो मूल ज्ञात करने का सूत्र है, -b + -√b² - 4ac, इसमें हम upon 2a, इसमें हम पुट करेंगे सारी वैल्यूज़ को। तो b की जगह पर 7 रख देंगे और प्लस माइनस लगाएंगे, अंडर रूट b² - 4ac यानी कि -7
हो जाएगा स्क्वायर, और ये इस तरीके से वैल्यूज़ हमने पुट कर दी 2a। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ हमने जब पुट की हैं उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, यानी सबसे पहले हम इसका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी कि ब्रैकेट सॉल्व करेंगे यानी कि 7 का स्क्वायर यानी कि 49 आ जाएगा, और ये वैल्यूज़ को 24 हो जाएगा, और 7 ऐसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर क्या था माइनस बी था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 24 यानी कि अंडर रूट 25, और ये माइनस का ये प्लस का 7 ही रहेगा, तो प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक बार एक प्लस में आएगी एक माइनस में आएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए x इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 4 आ गया था, तो इसके जो है दो हल होंगे, टू सॉल्यूशंस, एक प्लस वाला अलग कर लेंगे और माइनस वाला अलग कर लेंगे। तो x इक्वल टू x 7 प्लस अंडर रूट 25 अपॉन 4, और ये हो जाएगा x इक्वल टू 7 माइनस 25 अपॉन 4, यानी एक में देखिए प्लस लिखा हुआ है और एक में देखिए माइनस लिखा है, ये दो हल होंगे। हमने लिख दिया है अबव इक्वेशन हैव टू सॉल्यूशन, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं उपरोक्त समीकरण के दो हल होंगे। तो 25 का वर्गमूल जो होता है 5 होता है, तो 5 लिख लेंगे, 7 में 5 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, बटे 4 होगा, 4 तियाँ 12 होता है, यानी कि 3 टाइम जाएगा, तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसी तरीके से 7 माइनस 5 अपॉन 4, यानी कि 7 में से 5 गया 2 होता है, 2/4 यानी कि 2 × 1 = 2, और 2 × 2 = 4 यानी 1/2, यानी कि इसके दो हल हो जाएंगे, एक 3 आएगा 3 × 1/2। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया बुक में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 है और 2 के बाद 3 है 4 है, इनके भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब दूसरा वाला समीकरण देखिए, वो भी हम आपको बता देते हैं क्या लिखा है, इसको ज़रा ध्यान से देखें, जूम करके दिखाते हैं आपको। 2x² प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको ध्यान से देखिए, 2x² प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको सेकेंड क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखा था, उपयुक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरणों को मूल द्विघात, यानी उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे कंपेयर करने के बाद, और उसको फिर उसी फार्मूले में डाल करके दो वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे हमने बताया था 2 को सेकंड पार्ट होगा 2x² प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, ध्यान से देखिएगा, इसको हम अभी और थोड़ा जूम कर दे रहे हैं जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो इसको हम सबसे पहले जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ठीक है, बुक तो इससे हम तुलना करेंगे। तो तुलना जब हम करेंगे तो इसमें देखिएगा ध्यान से पकड़ो, तो a बराबर हो जाएगा 2 और b बराबर हो जाएगा 1 और c बराबर माइनस का 4। तो इसमें d की वैल्यू जो है वो बड़ी आनी चाहिए या बराबर आनी चाहिए 0 के, तभी इसका हल होगा वरना नहीं होगा। तो इसमें देखिए b² माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 यानी कि 2, a की वैल्यू 2 थी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू माइनस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 1 माइनस 4 × 16, 4×4 = 16, 16×2 = 32, यानी कि 33 आ जाएगा, यानी कि 33 जो है वो बड़ा है 0 से, ठीक है। तो ये इसका एक हल होगा। तो अब इसको हम, इसका एक फार्मूला होता है b x = b - √b² - 4ac / 2a, इसी फार्मूले में हम इसको रख देंगे। तो देखिए ध्यान से,
तो क्या हो जाएगा, माइनस बी की जगह क्या रखेंगे, यहीं से वैल्यूज़ को उठा लेंगे तो बी की वैल्यू कितने हो जाएगी, माइनस का वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू इंटू माइनस फोर अपॉन टू इंटू टू। तो इसी तरीके से माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट, इसको सॉल्व कर लीजिए तो वन माइनस चार चक्कू सोलह, सोलह चक्कू चार दुनी आठ, आठ चक्कू बत्तीस, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बत्तीस हो जाएगा अपॉन चार, यानी कि क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट तैंतीस बटे चार। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो इसमें देखिए, इसमें भी दो हल होंगे, ये x लिखते जाइएगा क्योंकि x के ही मान निकालने हैं आपको, तो x के दो हल होंगे, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो x बराबर माइनस वन प्लस रूट थर्टी थ्री अपॉन फोर, और दूसरा हल होगा माइनस वन माइनस रूट थर्टी थ्री अपॉन फोर, यानी x स्क्वायर टू हो जाएगा माइनस वन। अब रूट में थर्टी थ्री लिखा हुआ है तो प्लस रूट थर्टी थ्री अपॉन टू फोर कॉमा माइनस वन माइनस रूट थर्टी थ्री अपॉन फोर। अब देखिए, इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, है ना, और इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यही आंसर आप लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप जैसा चाहे वैसे लिख लीजिए, वैसे ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर टू का जो टू पार्ट था वो हमने ख़त्म किया, अब हम क्वेश्चन सीधे चल रहे हैं। इसी तरीके से जो दो पार्ट और है वो भी सेम इसी तरीके से आप करेंगे, और क्वेश्चन नंबर हम थ्री बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे तो इसमें देखिए, x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। तो इसमें देखिए, रीअरेंजिंग द अबव गिवन इक्वेशन सो वी गेट, यानी इसको हम सही करेंगे, यानी कि इक्वल टू थ्री दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए, बुक में इक्वल टू थ्री दे दिया है, थ्री को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, यानी कि देखिए हम लाए हैं। तो देखिए, जैसे सबसे पहले तो हम यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व किया है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो नीचे एक्स आ जाएगा, ये एक्स ऊपर जाएगा तो थ्री एक्स हो जाएगा, और ये जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ऊपर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा अपॉन एक्स आएगा इक्वल टू थ्री, यानी एक्स जब उधर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको जब इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये एक स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है उसी के तरीके से हम इसको लिख लेंगे। तो कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसी से हम तुलना करेंगे तो ए बराबर वन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं लिखा है तो वन मानेंगे, तो वन लिख लेंगे। बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, बी की जगह पर माइनस थ्री लिखा हुआ है तो बी इक्वल टू माइनस थ्री लिख लेंगे, और सी इक्वल टू माइनस वन लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब फिर हम इसको चेक करेंगे कि ये जीरो से बड़ा है कि नहीं है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी कि माइनस थ्री स्क्वायर, बी की जगह पर कितना लिखेंगे, माइनस थ्री रख लेंगे, और माइनस फोर ए सी यानी कि फोर, ए की जगह पर वन रखेंगे और सी की जगह पर माइनस वन, तो फोर इंटू वन इंटू माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस फोर हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, नाइन प्लस फोर हो जाएगा, नाइन प्लस फोर कितना होगा, थर्टीन इज़ ग्रेटर देन जीरो, यानी कि तेरह जो है जीरो से बड़ा है, इसका एक हल होगा। तो इसके देखिए दो मान आ जाएंगे, कैसे आएंगे, वही फार्मूले में रखेंगे जैसा अभी मैंने बताया था, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये पूरा यहाँ तक लगाइएगा, सी तक लगाइएगा, ठीक है, अपॉन टू ए, नीचे टू ए होता है, एक ए मत लिखिएगा, तो इक्वल टू, अब b की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, माइनस थ्री निकाली थी, माइनस थ्री लग दी, और बाकी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू हमने थर्टीन निकाल ली थी पहले, तो वही अंडर रूट थर्टीन लिख देंगे, और टू इंटू प्लस वन, तो यानी कि इसका जो
इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि माइनस थ्री का माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस होता है ना, तो माइनस ये वाला और ये अंदर वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि थ्री हो जाएगा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट थर्टीन अपॉन टू, तो प्लस का थर्टीन इधर रख लेंगे और माइनस थर्टीन इधर रख लेंगे, यही इसका एक हल हो जाएगा। तो यही दो मूल निकल आए। इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट दिया है थर्ड का, वो भी इसी को पहले नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ब्रैकेट्स पे, दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा, और जो ऊपर माइनस जब अंदर ले जाएंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे अंदर के ब्रैकेट के, तो ये आपका एक्स एक्स कट जाएगा, यानी माइनस सेवन माइनस फोर यानी कि माइनस थर्टी थ्री, और ये इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो इसमें ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी एट, यानी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी एट इक्वल टू माइनस थर्टी आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे, इसको उधर लेंगे तो 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको उधर लेंगे तो थर्टी से मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया है। तो इसको जब भी हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कैसे हमने सॉल्व किया है, स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। तो देखिए, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, ये 30 को हम इधर ले आए, उधर माइनस 30 था तो इधर आएगा तो प्लस 30 हो जाएगा, तो 28 में से 30 जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। फिर इसको हम वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी, सी की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर एक्स की जो मूल निकालने का जो फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है, उसी में रख देंगे। जैसे ही रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे पूर्व की तरह, पहले की तरह, तो ये हमारा आ जाएगा, इसके भी दो वैल्यू आ जाएंगे, थ्री प्लस रूट वन अपॉन टू, और इसका आ जाएगा थ्री माइनस रूट वन अपॉन टू। तो रूट वन का जो रूट होता है वन ही होता है, यानी तीन में एक जोड़ेंगे तो चार बटे दो हो जाएगा, और तीन में एक घटाएंगे तो दो हो जाएगा, दो बटे दो यानी दो बटे दो यानी कि एक हो जाएगा, और चार बटे यानी कि दो हो जाएगा, यानी कि इसका सूत्र फार्मूला आ जाएगा सूत्र से एक कॉमा दो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा थर्ड का सेकंड पार्ट भी हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर बताने जा रहे हैं। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर फोर उसी के साथ बताते हैं। देखिए क्वेश्चन फोर ये दिया हुआ है, एक्सरसाइज 4.3 का चल रहा है। क्वेश्चन फोर दे रहा है, तीन वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से पाँच वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी हम द्विघात से लगाएंगे, चाहे तो हम इसको फैक्टर से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको द्विघात से आपको करके दिखाएंगे, और इसको हम इक्वेशन फॉर्म में ला करके और इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो ये लैंग्वेज लिखी है, इस लैंग्वेज को हम इक्वेशन फॉर्म में लाएंगे। तो इसको देखिए ध्यान से पकड़िए इसको, हाँ क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, ये क्वेश्चन हमने देखिए अभी लगाया है मैंने। क्वेश्चन नंबर में था कि उसका रहमान की वर्तमान आयु हमने एक्स वर्ष मान ली, तीन वर्ष पूर्व उसकी आयु हो जाएगी। जब हम पूर्व की बात करते हैं यानी कि पहले की आयु की बात, तो हम उसमें से तीन घटा लेंगे, यानी एक्स में से तीन घट जाएगा। पाँच वर्ष पश्चात उसकी आयु क्या होगी, एक्स प्लस फाइव हो जाएगी। फिर दिए गए प्रश्नानुसार व्युत्क्रम, यानी दोनों को हम व्युत्क्रम करेंगे तो 1/(x-3) हो जाएगा, और दूसरा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/(x+5) हो जाएगा। फिर दोनों का योग हम बनाएंगे तो दोनों व्युत्क्रमों का योग क्या है, 1/(x-3)+(1/x+5), और उसका योगों का योगफल क्या होगा, 1/3 होगा। फिर हम देखिए, जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x-3 और कॉमा x+5 दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये दोनों का यही होगा, x-3 से x-3 कट जाएगा, x+5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा x+5 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे और फिर x+5 से x+5 कट जाएगा, x-3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो x-3 हो जाएगा। अब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, और 1/3 ऐसे लिखेंगे। फिर हम x को x से जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा, और 5 में से 3 घट जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे और 3 ये ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तिर्यक गुणा जिसे हिंदी में कहते हैं, और तिर्यक गुणा कर देंगे तो 3 से जब हम
ऊपर ले जाएंगे तो ये इस तरीके आ जाता है, तीन दूनी छः, छः एक्स जब सिक्स एक्स हो जाएगा, और थ्री टू जा सिक्स, सिक्स बन जा सिक्स इसक्वल टू। इसी तरीके से ये जो नीचे इक्वेशन लिखी है इसको हम ऊपर वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए इसी फॉर्मेट में आ जाएगी। फिर हम ये सिक्स एक्स प्लस सिक्स को इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो इसके दोनों के निशान चेंज हो जाएंगे, यानी सिक्स एक्स प्लस में था तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस सिक्स था तो ये जो माइनस हो जाएगा, और ये इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी। यानी एक्स स्क्वायर टू एक्स से ऊपर ऐसा लिखा है, सिक्स एक्स उधर से आया है, माइनस सिक्स भी उधर से आया है, माइनस फिफ्टीन लिख देंगे। फिर ये सिक्स एक्स में से टू एक्स घट जाएगा तो माइनस का फोर एक्स आ जाएगा। ग्रेटर का साइन लगाइएगा, लेस देन ग्रेटर देन बहुत ध्यान समझिएगा। और सिक्स एक्स में से टू एक्स गया माइनस फोर एक्स, और इसी तरीके से माइनस फिफ्टीन माइनस सिक्स, यानी फिफ्टीन भी माइनस का है, सिक्स भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस होता है और निशान ग्रेटर का लगता है यानी कि माइनस का लगेगा। यानी फिफ्टीन और सिक्स जुड़ जाएगा ट्वेंटी वन हो जाएगा, माइनस का ट्वेंटी वन, यानी एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस ट्वेंटी वन इक्वेशन आ गई। इसी इक्वेशन को प्राप्त करने के बाद अब हम द्विघात के जैसे हमने पहले इससे पहले के क्वेश्चनों में बताया उसी तरीके से करेंगे। ये जो हमने लैंग्वेज दी थी उसी को सॉल्व करके हम ये इक्वेशन पे आए हैं। तो इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से तुलना कर लेंगे तो ए की वैल्यू वन आ जाएगी, बी की वैल्यू माइनस फोर आ जाएगी, सी की वैल्यू माइनस ट्वेंटी वन आ जाएगी। तो अब इसी फॉर्मूले में यानी कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए में इसको वैल्यू को हम क्या करेंगे रख देंगे। तो जब रख देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी की जगह पर माइनस फोर, और ये इस तरीके से वैल्यूज़ को रख दिया हमने। सारी वैल्यूज़ को रख के सॉल्व करेंगे, चार की वैल्यू को चार का स्क्वायर यानी कि सोलह, और ये चार एकम चार इक्कीस से गुणा कर देंगे तो 84 आ जाएगा। 84 को 16 में जोड़ देंगे तो 100 आ जाएगा। 100 का जो वर्गमूल होता है वो 10 होता है, और ये प्लस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस 4 हो जाएगा, 4 चलता चला आएगा। इसके दो हल हो जाएंगे, एक प्लस में ले लेंगे यानी 4 प्लस 10 अपॉन 2, और एक हो जाएगा 4 माइनस 10 अपॉन 2, यानी कि एक माइनस में ले लिया और एक हमने प्लस में ले लिया। लेकिन माइनस वाला जो है वो हमको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि माइनस की वैल्यू नहीं लेंगे, हमें वर्तमान आयु बतानी है तो इसलिए हमें करंट की यानी कि प्लस वाली लेके चलेंगे। यानी कि 10 और 4 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा, 14/2 यानी कि 2 × 7 = 14 होता है, यानी कि 7 आ गया x की वैल्यू 7। यानी हमने सबसे पहले रहमान की आयु क्या मानी थी, x वर्ष मानी थी वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु हमारी निकल चुकी है तो रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष हो जाएगी क्योंकि यहाँ 7 निकल के आया। तो ये बच्चों क्वेश्चन को ध्यान समझ लीजिएगा, और इसका अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं। 5 देखिए, ध्यान से देखें, देखिए हम थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं आपको। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको देखिए हमने इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके लिखा है इंग्लिश मीडियम के बच्चों को, तो इसको आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। तो पहला हमने जो हमने माना है कि अगर उसके शेफाली के मैथ में जो नंबर हैं उसको हम एक्स मान लेंगे, और उसके मार्क्स कह रहा है कि जो क्लास टेस्ट हुए थे उनके जो गणित और अंग्रेजी के अंक थे उसमें उसका अंक का योग 30 था, यानी कि टोटल मार्क्स उसके 30 थे। तो 30 अंकों के जो 30 अंक का योग था उसमें गणित और अंग्रेजी के अंक का, तो यानी कि उसके जो इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे वो 30 माइनस एक्स हो जाएगा। तो दोनों मार्क्स को जो हम क्या करेंगे, तो दोनों मार्क्सों का इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि उनके क्या लिखा था, अब ये लाइन जरा ध्यान से पढ़ेंगे, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। तो उनके 210 कब होगा, तो ये अंग्रेजी के जो मार्क्स है वो 30 माइनस एक्स है और मैथ के मार्क्स एक्स हैं, तो दोनों के मार्क्सों को 30 में से माइनस करके आएगा तो वो इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे, और मैथ के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स को हम जोड़ देंगे। यानी कि क्या करेंगे कि दोनों के यानी कि x प्लस टू को हम
30 माइनस एक्स माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका जो योग आएगा वो 210 होगा, ठीक है, दोनों के गुणनफलों का योग। तो इसके बाद तो ये जो चौथे क्वेश्चन का जो सलूशन है इसको जरा ध्यान से देखिएगा। तो जो मैथ के मार्क्स आपने माने हैं वो एक्स माना है और इंग्लिश के मार्क्स जो माने हैं वो 30 माइनस एक्स माने हैं। टोटल मार्क्स उनके 30 हैं। फिर 30 में से हम जब एक्स माइनस 3 करेंगे और ये हो जाएगा एक्स प्लस 2, दोनों का गुणनफल करेंगे तो 210 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 30 में से 3 जाएगा तो 27 आएगा माइनस एक्स, और इसको जब क्रॉस जब ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x बराबर 210। इसी को और सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए 27x को 2x में से घटा देंगे तो 25x आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लेंगे, और 210 ये इक्वल टू के उधर था तो उधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। इसी तरीके से ये जब इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ जाएगी इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो सारे निशान बदल जाएंगे, यानी माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ये देखिए माइनस वाला प्लस हो गया तो इस तरह निशान चेंज हो जाएंगे। फिर इसको हम इसके गुणनखंड बना लेंगे और ये 12 प्लस 13, 12 और 13 को जब जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और 12 को 13 से गुणा करेंगे तो 156 आएगा। इस तरीके से हमारा जो है इसको जब हम सॉल्व करेंगे कॉमन ओमन लेके तो ये इसके दो हल आ जाएंगे, x माइनस 12 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0, यानी कि x की वैल्यू 12 भी आएगी और 13 भी आएगी। तो इफ़ मैथ के नंबर 12 हो जाएंगे देन इंग्लिश के नंबर 30 माइनस 12 यानी कि 30 में से 12 जाएगा तो 18 हो जाएंगे, और मैथ के नंबर अगर हम 13 मानेंगे तो इंग्लिश के नंबर 17 हो जाएंगे, यानी कि अगर मैथ का नंबर हम 12 मानेंगे तो 18 हो गया और 13 मानेंगे तो 17 रहेगा। तो इस तरीके से ये हमारा दो हल मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये सॉल्व हो गया। इसको अगर इसको आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 समझाएंगे आपको। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 6 लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी उसको सॉल्व करेंगे। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। एक आयताकार खेत है, उसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबी है, तो ये एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात। ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें समीकरणें बनानी पड़ेंगी। इसका इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस बुक का। ये क्वेश्चन है आपका छठे नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले इसमें जो है डायगोनल जो कि विकर्ण है हमारा वो एक रेक्टेंगल फील्ड का है और इसमें 60 मीटर लंबा है, तो इसके जो शॉर्टेस्ट साइड है वो हमें फाइंड अप करनी है। तो इसके लिए हमें शॉर्टेस्ट जो साइड होगी उसको हम x मान लेंगे। ये देखिए एक हमारा जो है आयताकार खेत है और ये इसका विकर्ण है, AC हमारा विकर्ण है, यानी ABCD हमारा एक आयताकार खेत है और ये AC हमारा विकर्ण है। तो इसमें देखिए सबसे शॉर्टेस्ट जो हमारे साइड होगा उसको हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x। तो तो लॉन्गेस्ट साइड हमारा क्या है? जो हमारा जो सबसे लंबी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर ज़्यादा है जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, तो x प्लस 30 हो जाएगी। और जो डायगोनल है वो हमारा विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर ज़्यादा होगी तो हमें x प्लस 60 हो जाएगी। तो पाइथागोरस के हिसाब से अगर हम इसको ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, यानी कि समकोण त्रिभुज बन जाएगा ACD। तो इसमें देखिए तो विकर्ण यानी कि कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, यानी हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो दोनों जो साइड्स थे उनके योगफल और वर्ग को हम जोड़ देंगे और इसके बराबर यानी डायगोनल यानी कि विकर्ण के वर्ग के बराबर कर देंगे, यानी कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से लिख देंगे। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे
और इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे और ये एक्स स्क्वायर है ये। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो ये एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये 30 का स्क्वायर यानी कि 900 हो जाएगा और ये हमारा 2 इंटू 30 इंटू एक्स यानी कि 60x हो जाएगा और ये हमारा x प्लस जो 60 लिखा हुआ है का होल स्क्वायर, इसको भी हम होल स्क्वायर से खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x हो जाएगा। यानी कि दोनों साइड की इक्वेशन हमारी आ गई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। फिर इसी इक्वेशन को हम, जो हमारी ये क्वेश्चन लिखी थी राइट हैंड साइड वाली, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो सब सारे निशान चेंज हो जाएंगे और उसके हमें एक्स स्क्वायर के को एक पास रखेंगे, एक्स वाले एक पास रख लेंगे और कांस्टेंट वाले एक पास रख लेंगे। तो सब सॉल्व कर लेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके की क्वेश्चन मिल जाएगी। ये माइनस जो है, ये माइनस है, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वेशन मिल जाएगी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 2700 इक्वल टू जीरो। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 2700 इक्वल टू, अब इसको हम जैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं उसी विधि से सॉल्व करेंगे यानी कि 60 के टुकड़े बना लेंगे, यानी उसको हम चाहे तो हम x स्क्वायर टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से भी सॉल्व कर सकते हैं और चाहे तो हम फैक्टर से कर सकते हैं। तो आप दोनों ही मेथड से कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर तो आपको बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से ही करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम आपको फैक्टर से भी करके दिखा रहे हैं। तो 30 इंटू 90 30 गुणे 90 तो 2700 होता है और 30 प्लस 30 माइनस 90 60 होता है, यानी और इसको x से गुणा कर देंगे यानी कि 60 को ब्रेक कर लिया हमने। देखिए यहाँ पे एलसीएम लेके हमने इसके टुकड़े बनाए हैं, ये देखिए हमने 2700 को हमने ब्रेक किया तो ये इसके टुकड़े बन के आ जाएंगे 60 के, यानी 30 प्लस इसकी वैल्यू माइनस में, तो माइनस वाला निगलेक्ट कर देंगे। तो इसको हम लेंगे और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हो जाएगा, यानी कि हमारा छोटी भुजा आएगी, बड़ी भुजा आएगी और कर्ण भी आ जाएगा। तो 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे 7th क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएँ ज्ञात कीजिए। तो इसको देखिए 7th क्वेश्चन देखिए, तो पहले कह रहा था कि दो संख्याओं का वर्ग का अंतर 180 है, यानी छोटी संख्या मान लेंगे x और जो छोटी संख्या मानेंगे y और बड़ी संख्या हम x मान लेंगे। तो लिखा है कि जो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दो संख्याओं का वर्ग का अंतर, तो दो संख्याओं का वर्ग का अंतर यानी कि दो संख्याएँ हमने कोई ले ली हैं उसका वर्ग का अंतर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 यानी कि 180 डिग्री, ठीक है। और छोटी संख्या, जो छोटी संख्या है हमारी क्या है, वाई है, वाई संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या के वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी कि ये कंडीशन को हमने बना लिया और ये कंडीशन, ये दो कंडीशन है तो दोनों को एक क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया और इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। अब यहाँ देखिए दो हैं तो इसमें वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x आई है, इसको हम इसकी जगह पर रख देंगे, यानी कि वाई स्क्वायर की जगह 8x रख देंगे तो 8x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 डिग्री, 180 इक्वल टू जीरो, यानी ये क्वेश्चन आ गया। इसको हम जब हम फैक्टर से सॉल्व करेंगे तो 8 के टुकड़े बनेंगे, 8 दहम 180, 18 दहम 180 और 18 में से 10 गया 8, यानी कि 18 माइनस 10 8 लिख देंगे और 18 माइनस 10 8 की जगह पे लिख देंगे। तो इसके बाद इसको x को अंदर ले जाएंगे और इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू माइनस 18 इक्वल टू जीरो आ जाएगी, x प्लस 10 इक्वल टू जीरो आ जाएगी, यानी कि जो माइनस वैल्यू होगी उसको हम निगलेक्ट कर देंगे और जो प्लस वाली वैल्यू होगी उसको रखेंगे, यानी x इक्वल टू 18 रखेंगे। तो लॉन्गर साइड जो हो जाएगी 18 हो जाएगी और इसको जब हम वैल्यू पुट करेंगे वाई स्क्वायर टू इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पर तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 144 का वर्गमूल 12 आता है, यानी y 12 की वैल्यू यानी कि जो छोटी जो भुजा थी वो 12 हो जाएगी और जो बड़ी भुजा होगी वो हमारी 18 हो जाएगी। तो यानी कि 18 और 12
ये हमारा आंसर आ गया इस तरीके। तो छोटी भुजा बड़ी भुजा आ गई, यानी कि सातवां क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट भी क्वेश्चन नंबर सेवन की तरह ही है, इसको भी आप ट्राई करिएगा। और आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर टू से लेकर सेवन तक ही बताएंगे, और अगला जो पार्ट हम बताएंगे उसमें हम क्वेश्चन नंबर एट टू इलेवन हम डालेंगे। तो बच्चों इसको प्रयास करिएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर एट टू इलेवन नेक्स्ट पार्ट में। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ध्यान से देखें। कोई दिक्कत आती है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।